तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है व्हाइट मैटर ऑफ सेरेब्रम। और यार, जो व्हाइट मैटर ऑफ सेरेब्रम जो है, ये यूनिवर्सिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसके ऊपर भी यूनिवर्सिटी में एज ए शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ जाता है। तो आज के अपने वीडियो में पूरा इसको डिटेल में जानेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। इसलिए आप मेरी वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। तो सबसे पहले आप क्या करो, मेरे इस फोन में 3D मॉडल देखो। तो ये अपने पूरे ब्रेन का है 3D मॉडल। और यार, अपन को इसमें एक चीज अच्छे से पता है कि अपने ब्रेन में टोटल होते हैं यहाँ पे 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये अपना राइट का सेरेब्रल हेमिस्फीयर है और ये अपना है लेफ्ट का सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और अपन को पता है कि ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर रहते हैं वो अपने टोटल बनते हैं 2 मैटर से। एक इसका रहता है आउटर ग्रे मैटर और अंदर की तरफ इसमें रहता है वाइट मैटर। इसको और अच्छे से दिखाने के लिए मैं यहाँ पे तुम्हें डायग्राम दिखाता हूँ। तो अगर अब अपने इस शल्क बोन को इस सेक्शन में कट करें ना, और फिर अगर अपन सुपरफिशियल व्यू से देखें तो अपन को फिर ये वाला डायग्राम मिलता है। तो आप यार इसमें खुद देखो, इसमें अपने ब्रेन का आउटर ये होता है ग्रे मैटर, ये आपको दिख रहा है, और इसका इनर इसमें होता है वाइट मैटर। मेनली मैं आपको बताऊं ये वाइट मैटर किससे बनता है ब्रेन का, तो अपने नर्व फाइबर का जो एक्सोन वाला पार्ट होता है ना, जो अपना कवर रहता है माइलिन शीथ से, तो अपना वाइट मैटर जो है अपना सेरेब्रम का, वो अपना कंसिस्ट होता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर से। मतलब मेनली इसमें होते हैं अपने नर्व सेल के एक्सोन्स अपने वाइट मैटर में। तो अपना अपन को पता चल गया कि अपना जो वाइट मैटर है वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर से बनता है। और मेनली यार, ये वाइट मैटर का काम क्या होता है अपने ब्रेन में, तो ये जो वाइट मैटर है ना, वो क्या करता है अपने ब्रेन में वेरियस कनेक्शंस बनवाता है। अगर इन वेरियस कनेक्शन को मैं समझाऊं, तो अब आप देखो, तो क्या होता है अपने वाइट मैटर में कुछ नर्व सेल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने इस राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को इस लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से कनेक्ट करते हैं। आप समझ पा रहे हो, मतलब अपने वाइट मैटर में कुछ नर्व के ट्रैक्स ऐसे होते हैं जो कि अपने इन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में कनेक्शन बनवाने का काम करते हैं। तो उन सारे नर्व के ट्रैक्स को अपन बोलते हैं कॉमिजरल नर्व फाइबर्स। और यार, कुछ नर्व के फाइबर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं अपने इस सेम सेरेब्रल हेमिस्फीयर के डिफरेंट एरिया को कनेक्ट करने का काम करते हैं। उसको मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, मान लो कि ये अपना है फ्रंटल लोब और ये है अपना ऑक्सीपिटल लोब। तो क्या होगा, अपने इस सेम सेरेब्रल हेमिस्फीयर के फ्रंटल लोब से लेकर इसके ऑक्सीपिटल लोब तक एक नर्व का फाइबर होगा जो अपने फ्रंटल लोब को ऑक्सीपिटल लोब से कनेक्ट करवाने का काम कर रहा है। और ऐसे नर्व फाइबर को जो कि सेम सेरेब्रल हेमिस्फीयर के डिफरेंट एरिया के बीच में कनेक्शन बनवाता है, उन सारे नर्व फाइबर को अपन बोलते हैं एसोसिएशन नर्व फाइबर। और यार, अपना लास्ट नर्व के फाइबर होते हैं इसके अंदर, उन्हें अपन बोलते हैं प्रोजेक्शन नर्व फाइबर। मेनली प्रोजेक्शन नर्व फाइबर जो है वो अपने इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर को अपना ये जो ब्रेन स्टेम है ना, इस ब्रेन स्टेम से जोड़ने का काम करते हैं। तो मेनली अपने व्हाइट मैटर में क्या होता है, अपने व्हाइट मैटर में 3 प्रकार के नर्व के फाइबर्स होते हैं जो कि अपने सेरेब्रम के डिफरेंट पार्ट के बीच में कनेक्शन बनवाने का काम करते हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, उन सारे नर्व के फाइबर को और अच्छे से डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं ये एसोसिएशन नर्व के फाइबर्स। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एसोसिएशन नर्व फाइबर क्या करते हैं, वो अपने सेम सेरेब्रल हेमिस्फीयर के डिफरेंट कॉर्टिकल एरिया के बीच में कनेक्शन बनवाने का काम ये करते हैं। और यार ये भी बताऊं, 2 टाइप्स के अपन के होते हैं, एक है शॉर्ट एसोसिएशन नर्व के फाइबर, दूसरे अपने होते हैं लॉन्ग एसोसिएशन नर्व के फाइबर। तो इसको अगर मैं आपको समझाऊं, तो आप यहाँ पर देखो, तो ये अपने ब्रेन में, ये अपने मान लो ये 2 हैं जायरस, यह है प्रीसेंट्रल जायरस और यह है पोस्ट सेंट्रल जायरस। तो इन दोनों जायरस के बीच में जो नर्व के फाइबर इस तरीके से कनेक्शन बनवाएंगी ना, अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, तो आप ये देखो, तो अपने ये 2 जो अगल बगल में जायरस हैं उनके बीच में ये जो नर्व के फाइबर कनेक्शन बनवा रहे हैं,
उसे अपन बोलते हैं शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर। अब यहाँ पे एसोसिएशन फाइबर आपका ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो नर्व के फाइबर हैं वो अपने सेम सेरेब्रल हेमिस्फीयर के डिफरेंट कॉर्टिकल एरिया के बीच में कनेक्शन बनवा रहे हैं। और यार यहाँ पे आप शॉर्ट से तो समझ ही गए होंगे कि अपने लेंथ में बहुत छोटे हैं। तो क्या होता है, अपने एसोसिएशन फाइबर को अपन लेंथ के वाइज दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक है शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर, जिसमें सिर्फ ये वाले फाइबर आते हैं जो कि अपने इन दो जो कि अपने अगल बगल वाले जायरस के बीच में कनेक्शन बनवाते हैं। देन अब यहाँ पे आता है एक लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर, और ये लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर थोड़े लंबे होते हैं और अपने लॉन्ग कनेक्शन बनवाते हैं। तो यार इस लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर भी कुल मिला के अपने होते हैं चार प्रकार के। अगर आप यहाँ पे देखो तो इस लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर में सबसे ऊपर एक यहाँ पे होता है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसाइकुलस। तो आप नाम से समझ गए होंगे ये सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल जो है वो अपना क्या कर रहा है, वो अपने इस फ्रंटल लोब को इस ऑक्सीपिटल लोब से कनेक्ट कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये जो नर्व के फाइबर है ना वो अपने इस फ्रंटल लोब को इस ऑक्सीपिटल लोब से कनेक्ट करवा रहा है। तो जिस तरीके से एक अपना सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फसाइकल है ना, सिमिलरली एक यहाँ पे इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल फसाइकल भी होगा, और ये इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल फसाइकल अपने इस टेम्पोरल लोब को इस ऑक्सीपिटल लोब से कनेक्ट करवा रहा है। ये आप देख पा रहे हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे एक और फसाइकल है, इसको अपन बोलते हैं अनसिनेट फसाइकल। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यह है अपना अनसिनेट फसाइकल, और ये अनसिनेट फसाइकल क्या करता है, ये अपने टेम्पोरल लोब को मोटर स्पीच एरिया और अपना ऑर्बिटल कॉर्टेक्स इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनवाता है। तो यार अपन ने अपनी सेरेब्रम वाली वीडियो में देखा था कि कुछ यहाँ पे अपना प्रेजेंट होता है मोटर स्पीच एरिया, जिसे अपन क्या बोलते थे, बिल्कुल सही, जिसे अपन बोलते थे ब्रोंकस एरिया। तो आप खुद देखो ये जो अनसिनेट फसाइकल है ना वो क्या करेगा, अपने इस टेम्पोरल लोब को मोटर स्पीच एरिया और ऑर्बिटल कॉर्टेक्स को कनेक्शन बनवाएगा उन दोनों के बीच में। तो आप याद कर लेना कि अपने लॉन्ग एसोसिएशन नर्व फाइबर टोटल होते हैं चार प्रकार के। एक इसमें सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, और यार मैं बताऊं इनके कनेक्शन याद करने के लिए तुम क्या करो, इसका ये डायग्राम याद कर लो, क्योंकि तुम खुद देख पा रहे हो ये जो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर है ये फ्रंटल से ऑक्सीपिटल तक एक्सटेंड कर रहा है। तो तुम्हें क्या ऑटोमेटिकली इसके सारे कनेक्शन ईजिली तरीके से याद हो जाएंगे, ज़्यादा तुम्हें वर्कलोड नहीं आएगा, इसलिए तुम क्या करो डायग्राम याद कर लो, फिर उसी से देख देख के तुम उसके कनेक्शन सारे लिख सकते हो। तो एक सुपीरियर हो गया, फिर एक इन्फीरियर हो गया, और एक अपन ने देखा अनसिनेट फसाइकल, जिसमें आपको याद करना है कि ये टेम्पोरल लोब को मोटर स्पीच एरिया और ऑर्बिटल एरिया से जोड़ रहा है। उसके बाद एक यहाँ पे रहता है सिंगुलम नर्व फाइबर। तो यार सिंगुलम नर्व फाइबर को अगर मैं समझाऊँ तो आपको यहाँ पे फिर से मेरा मॉडल देखना पड़ेगा। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, अपना एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को हाइड करता हूँ, तो अब आपको अच्छे से दिखेगा। अब आप देखिए, तो अपन जानते हैं ये अपना पूरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर का है सुपीरियोलेटरल सरफेस, और ये वाला मीडियल साइड में ये पूरा होता है इसका मीडियल सरफेस। तो इसके मीडियल सरफेस में आपको बीच में एक यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। ये आपको दिख रहा है ना, और अपन जानते हैं कि कॉर्पस कैलोजम जो है वो अपने राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से जोड़ता है। तो इन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में कनेक्शन बनवाने के लिए अपना प्रेजेंट होता है ये कॉर्पस कैलोजम। और इस कॉर्पस कैलोजम के ऊपर वाला ये जो जायरस प्रेजेंट है ना, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा जो जायरस है उस जायरस को अपन बोलते हैं सिंगुलम। तो यार ये अच्छे से याद कर लेना कि ये अपना सिंगुलम जायरस जो है वो एक्चुअली में अपना मीडियल सरफेस में प्रेजेंट है, ये अपना ब्रेन का
मीडियल सरफेस में अपना सिंगुलम जायरस प्रेजेंट होता है, और जो सिंगुलम जायरस है वो अपने कॉर्पस कैलोसम के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है। तो क्या होता है यहाँ पे, एक अपने लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर जो है वो इस सिंगुलम में प्रेजेंट है, वो अपने सिंगुलम जायरस को अपने यहाँ पे नीचे की तरफ ये वाला जो पार्ट है ना ब्रेन का, इसको अपन बोलते हैं पैरा हिप्पोकैम्पल जायरस। तो आप खुद देख पा रहे हो कि सिंगुलम लॉन्ग एसोसिएशन नर्व फाइबर क्या कर रहे हैं, अपने इस सिंगुलम जायरस को अपने इस पैरा हिप्पोकैम्पल जायरस से कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप ये भी अच्छे से याद कर लेना कि इसमें फिर होता है अपना सिंगुलम जायरस। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरे एसोसिएशन फाइबर बता दिए, और यार कुछ खास है नहीं, बड़ा ही इजी फाइबर है। एक है लॉन्ग, एक अपना होता है शॉर्ट, और एक है अपना लॉन्ग। और लॉन्ग में टोटल अपने हैं चार टाइप्स के। ये चारों टाइप्स अपन बड़े इजीली इस डायग्राम से याद कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है अपना कॉम्यूजरल फाइबर्स, और यार ये कॉम्यूजरल फाइबर के बारे में मैंने आपको बताया। ये क्या करते हैं, ये अपने राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट हेमिस्फीयर से जोड़ने का काम करते हैं। तो इसको भी मैं क्या मेरे फ़ोन में दिखाता हूँ 3D मॉडल में। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से सारी चीज़ लाता हूँ आपके लिए, ये आप देखिए। तो ये अपने हैं ब्रेन के दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और इन दोनों के बीच में जितने भी नर्व के फाइबर कनेक्शन बनवाएंगे ना, उन सारे नर्व फाइबर को अपन बोलते हैं कॉम्यूजरल नर्व के फाइबर। उसमें आपको तो पता ही है, सबसे पहले अपना आता है ये वाला, इसे अपन बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। मैं इसको सेपरेट करूं तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। और यार इस पूरे कॉर्पस कैलोसम को अपन को फर्दर और डिटेल में भी पढ़ना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इसमें अलग से क्वेश्चन आ जाता है इसके सारे पार्ट्स के ऊपर। तो इसके ऊपर भी मैं एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा डिटेल में, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो आप ये वाली वीडियो भी देख लेना, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, वो बड़े ही इजी वीडियो है, ज़्यादा कुछ खास लॉन्ग है नहीं है। देन अपन यहाँ पे थे कि अपने दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम अपना ये करता है कॉर्पस कैलोसम। देन कॉर्पस कैलोसम के अलावा अगर आप देखो, इस कॉर्पस कैलोसम के जस्ट नीचे ये छोटा सा आपको नर्व का फाइबर दिख रहा है ना, ये देखिए आप, तो इसे ही अपन बोलते हैं इंटीरियर कॉम्यूजर फाइबर। और यार ये जो इंटीरियर कॉम्यूजर फाइबर जो है वो अपना आर्चिपेलिया, और यार ये जो इंटीरियर कॉम्यूजर फाइबर जो है वो अपने ब्रेन के आर्चिपेलिया वाले एरिया को कनेक्ट करते हैं। तो यार इसको मैं आपको समझाऊं एक्चुअली में क्या होता है, ये जो आर्चिपेलिया वाला जो ब्रेन का एरिया है ना, वो सबसे पहले अपना इवॉल्व हुआ था, मतलब एवोल्यूशन में अगर अपन देखें तो सबसे पहले ब्रेन में यही वाला एरिया अपना हुआ था एवोल्यूशन में, यही वाला। तो सबसे पहले अपने ब्रेन में एवोल्यूशन में यही वाला एरिया अपना आता है। मेनली ये क्यों आता है, स्मेल वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अपने ऑल्फैक्ट्री रीजन के लिए। तो आप ये बात अच्छी तरीके से याद कर लेना कि अपने दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के जो आर्चिपेलिया वाला एरिया है ना, उसको जोड़ने का काम, उन दोनों के बीच में कनेक्शन बनवाने का काम अपना करता है इंटीरियर कॉम्यूजर फाइबर्स। अब जाहिर सी बात है, जैसा एक इंटीरियर है वैसा एक पोस्टीरियर भी होगा, तो यहाँ पे इंटीरियर के जस्ट पीछे अपना एक पोस्टीरियर कॉम्यूजर फाइबर भी होता है। और ये कॉम्यूजर फाइबर क्या करता है, अपने सुपीरियर कॉलिक्यूलस न्यूक्लियस को कनेक्शन बनवाने का काम करता है। तो यार सुपीरियर कॉलिक्यूलस में दिखा ही देता हूँ। तो अगर आपने मेरी ये ब्रेन स्टेम वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा ये अपना है मिड ब्रेन। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊँ मेरे यूट्यूब चैनल में अब तक 3 BDC के वॉल्यूम अपलोड कर चुका हूँ। मोर देन 150 से भी ज़्यादा अपन अपलोड कर चुके हैं, अपर लिम, लोअर लिम, थोरेक्स, पेल्विस, एब्डोमेन, हेड एंड नेक। अब अपन फोर्थ वॉल्यूम देख रहे हैं जो कि है न्यूरो एनाटॉमी, और मैं हर वीडियो सीक्वेंस में डाल रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो तुम क्या मेरी वीडियो सीक्वेंस में जा सकते हो, पहली बार अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पर तुम सारी वीडियो देख सकते हो। और वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं इसी तरीके से सारी वीडियो लाता हूँ। तो अगर आपने वीडियो देख रखी है
तो ठीक है, अगर नहीं भी देखी तो मैं फिर भी रिवाइज करवाता हूँ कि अपना जो ब्रेन स्टैम्प होता है ना, उसका सबसे पहला पार्ट अपना होता है मिड ब्रेन, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। और अपने मिड ब्रेन में यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, उसी का नाम होता है सुपीरियर कॉलिकुलस। तो ये अपनी क्या है, ये राइट की है और ये अपनी लेफ्ट की है, और इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनवाने का काम अपना करवाता है ये पोस्टीरियर कॉमिजुरल फाइबर। तो ये मैंने आपको बता दिया। देन फिर बात आती है अपने फॉर्निक्स के बारे में। तो यार इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, मैं अगर फिर से दिखाऊँ तो मुझे थोड़ा, ये देखिए आप, तो ये अपना है कॉर्पस कैलोसम, और उसके जस्ट नीचे ये जो आपको स्ट्रक्चर देख रहे हो ना आप, इसी को अपन बोलते हैं फॉर्निक्स। मैं अगर इसको और आपको सेपरेट करूं तो आप खुद देखिए, ये कुछ इस तरीके से कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको अपन बोलते हैं फॉर्निक्स। और फॉर्निक्स जो है मेनली उसके वन एंड में ये जो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इससे अपन बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। और अपन को पता है ये हिप्पोकैम्पस वही स्ट्रक्चर है जो कि अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज करता है। तो ये हिप्पोकैम्पस जो है वो अपना पूरा इस फॉर्निक्स से अटैच है, और जैसा अपना यहाँ राइट फॉर्निक्स है ना, वैसा सिमिलरली एक लेफ्ट में भी फॉर्निक्स होगा, और उन दोनों फॉर्निक्स के बीच में अपने कुछ होते हैं कनेक्शन, उसी को अपन बोलते हैं कॉमिश्योर ऑफ फॉर्निक्स। इसको मैं और अच्छे से आपको दिखाता हूँ। अब आप मेरा ये वाला डायग्राम देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये अपने दोनों है फॉर्निक्स, दोनों साइड के राइट और लेफ्ट के, और इन दोनों के बीच फॉर्निक्स में ये जो कनेक्शन देखने के लिए मिल रहा है ना आपको, इसी को अपन बोलते हैं कॉमिश्योर ऑफ फॉर्निक्स। तो ये मैंने आपको सारे फाइबर अच्छे से डिटेल में बता दिया। अब बात आती है इसके प्रोजेक्शन वाले फाइबर में, और यार मैं आपको बता चुका हूँ ये फाइबर मेनली क्या करते हैं, अपने इस पूरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को अपने ब्रेन स्टेम से कनेक्शन बनवाने का काम ये करते हैं। और यार इन फाइबर के अंदर अपना आता है एक्चुअली में इंटरनल कैप्सूल, और ये जो इंटरनल कैप्सूल जो है ये अपने आप में एक पूरा लॉन्ग टॉपिक है, और उसके ऊपर यार मैं पहले ही पूरी वीडियो बता चुका हूँ, और उस वीडियो का लिंक तुम्हें ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो तुम क्या करना, मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद तुम्हारे पूरा वाइट मैटर जो है अच्छे से ये कवर हो जाएगा। तो कुछ इतना ही अपना वाइट मैटर में रहता है, मेनली अपना वाइट मैटर सिर्फ वेरियस कनेक्शन बनवाने के लिए ही काम में आता है अपने ब्रेन में। अब मैं मेरे नोट्स के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करता हूँ, और ये भी बताता हूँ उसे यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो यार कभी ये टॉपिक यूनिवर्सिटी में आ जाए ना, वैसे इसके चांसेस थोड़े कम है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो यार ये इंटरनल कैप्सूल ही है, तुम इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये आ सकता है आपका यूनिवर्सिटी में। लेकिन कभी ये टॉपिक भी आ गया तो तुम्हें करना क्या है, पहले तुम डालना हेडिंग, देन फिर इसके लिख देना है इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट, फिर लिखना एसोसिएशन फाइबर, और उसमें सारे एक्सप्लेन कर देना शॉर्ट एंड लॉन्ग, देन एक कॉमिश्योर फाइबर लिख देना। और यार ये इंटरनल कैप्सूल की वीडियो से मेरे ये इंटरनल कैप्सूल के तुम नोट्स ले लेना, और फिर वो पूरा इंटरनल कैप्सूल तुम्हें उसी तरीके से लिख के आना पड़ेगा, क्योंकि मेनली वाइट मैटर में यही सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। और उसके बाद एट द एंड में आपको मेरा एक ये वाला डायग्राम बना के आना है, तो इस तरीके से इसको यूनिवर्सिटी में लिखना है। वीडियो से हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपन इसी तरीके से न्यूरो एनाटॉमी में लाते हैं। और यार हम न्यूरोलॉजी के बाद अपन करेंगे हिस्टोलॉजी, तो मेरे चैनल के साथ तुम बने रहो, क्योंकि अब तक यूट्यूब में किसी ने भी हिस्टोलॉजी बिल्कुल सीक्वेंस में अच्छे से हिंदी में नहीं पढ़ाई। मैं एक एक स्लाइड को अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूँ हिस्टोलॉजी के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।